इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर। देखिए ठीक पीछे यहाँ पर इनकम टैक्स गोलंबर है और इधर आपको भीड़ नजर आ रही होगी, हाथों में तकनियां हैं, डॉक्टर्स की भीड़ है, ये ममता बनर्जी का पुतला नजर आ रहा होगा। मैं आप सबको बता दूं कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में जो विभत्स घटना को अंजाम दिया गया एक डॉक्टर बिटिया के साथ, उससे नाराजगी है पटना के डॉक्टर्स में। और ये जो संगठन है ये बीजेपी के तरफ से, बीजेपी का जो डॉक्टर प्रकोष्ठ है उनके सदस्य हैं, ये लोग यहाँ पर निकले हैं और यहाँ पर निकलकर आज ये लोग अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ। इनके हाथों में जो पुतला है, जो तकिया है, इसे आप लोग साफ तौर पर समझिए कि किस प्रकार से ये लोग निकले हैं ममता बनर्जी का पुतला दहन करने के लिए। अगर तकियों पर नज़र डालेंगे तो ममता बनर्जी गद्दी छोड़ो, वी वॉन्ट जस्टिस, जस्टिस फॉर डॉक्टर मौमिता, जैसे कई सारे स्लोगन्स हैं इनके तकियों में आपको नज़र आ रही है। अब यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये लोग जब यहाँ पर आए हैं तो किस स्तर का जो इनका आक्रोश है वो देखने को मिलेगा। तो जो डॉक्टर्स हैं सुनिए किस प्रकार से ये लोग अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रही हैं। कहाँ निकले हैं? हम लोग निकले हैं बस एक नारी के सम्मान के लिए निकले हैं और उनको समानता के लिए कि एक डॉक्टर को इस तरह से किया गया और एक हमारी जो कलकत्ता के राष्ट्रपति हैं और वो एक नारी के मुख्यमंत्री हैं, तो हमारे नारी के प्रति वो नारी एक है और खड़ा नहीं हो रही है और कुछ कर नहीं रही है, इसी के लिए हम लोग उतरे हैं जी, पुतला दहन करने के लिए। अगर मानती है, करती है, कुछ न्याय करती है तब तो ठीक है। जो वो डॉक्टर जो थी ममता के साथ, डॉक्टर ममता के साथ जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। हम लोग उनके इंसाफ के लिए इस सड़कों पे उतरे हैं और ममता बनर्जी के राज में हुआ है उनको उस गद्दा से हटाया जाए, उनकी दादागिरी अब नहीं चलेगी। हम लोग खुद सड़क पे निकले हुए हैं, हम लोग को डॉक्टरों को और नर्सिंग स्टाफ को सबको हम लोग को सुरक्षा चाहिए, हम लोग खुद रोड पे उतरे हुए हैं और हम लोग इंसाफ मांगने आए आने से क्या हुआ, क्या की, कुछ नहीं की, उनकी दादागिरी चल रही है, उनको गुंडो आते हैं। हम लोग बस महिला को, हम उस डॉक्टर को हम लोग को इंसाफ चाहिए, रेपिस्ट को सजा मिलनी चाहिए, जल्द से जल्द पकड़ा जाए। वो एक महिला है और आप लोग उनका पुतला दहन करने के बाद जी, मैं अपने आप को सुरक्षित पाने के लिए निकली हूँ। कोई भी सड़क पे निकलने से नहीं हो, दिखावा है, दिखावा अगर बंद करना है तो खुद को सुरक्षित करें और दूसरे को भी सुरक्षित दे। लगातार जो लोग हैं यहाँ पर जो आए हुए हैं डॉक्टर्स हैं ये सभी, और ये सभी आज पटना की सड़कों पर इनकम टैक्स गोलंबर पर ममता बनर्जी का पुतला लेकर निकली हैं। साफ तौर पे कहना है कि ममता बनर्जी जो रोड पर निकली वो बस एक दिखावा था, वो लोगों को बचाने का प्रयास कर रही जो रेपिस्ट है उनको, तो वैसे में ये लोग नाराज हैं और यहाँ पर अब पुतला दहन करने के लिए पहुंचे हैं। तो यहाँ पर जो कुछ भी होगा हम आपको तस्वीरों में अपनी दिखाते रहेंगे। धरती के भगवान सड़क पे हैं, मरीज का इमाम कर रहे हैं, क्या कहेंगे मरीज को? हम लोगों ने आज हमारा 24 घंटे का हमारा IMA का स्ट्राइक है, लेकिन हम लोगों ने आपातकालीन सेवा को अक्षुण रखा है, हमारा आपातकालीन सेवा चालू है, हमारा OPD आज बंद है। मरीज के कठिनाई को हम जरूर समझते हैं, लेकिन अपने जान दे करके, अपने आप को जान को सुरक्षित हमें मिलेगी तभी तो हम भय के वातावरण में काम कैसे कर पाएंगे, आप मुझे बताएं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं एक डॉक्टर का प्रोटेक्शन भी लो और जो पश्चिम बंगाल की सरकार बर्खास्त हो, चूंकि वो सरकार खुद से प्रोटेक्शन देती है इसको। मांग क्या क्या है? हमारी मांग है कि जो वहाँ की जो सरकार है, पश्चिम बंगाल की सरकार है, उसको उसके इसमें जांच में नहीं इन्वॉल्व किया जाए, इसके निष्पक्ष जांच होना चाहिए, दोषियों पर तुरंत कार्रवाई। खुद सड़क पे है, ये गुंडागिरी किसने कराया? जिस तरह से इसको जांच करने के बाद जब डॉक्टर जब प्रोटेस्ट में बैठते हैं उसके बाद उसको उसके साथ में साक्ष्य मिटाने के लिए वहाँ 5,000 से 10,000 आदमी कैसे जमा हो जाते हैं 10-15 मिनट के अंदर। चलिए तो देखिए किस प्रकार से नाराजगी ये लोग जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग भी सुरक्षा चाहते हैं, इसी के कारण हम सड़क पर हैं। आप सबको फिर से बता दूं कि जो घटना घटित हुई है पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में, उसके बाद से डॉक्टर जो है वो यहाँ पे सड़कों पे हैं, मरीज जो है वो त्राहिमाम कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स की माने तो ये कह रहे हैं कि जो इमरजेंसी सेवा है वो लगातार बहाल है और ऐसे में अगर हमारी सुरक्षा नहीं हुई तो हम फिर लोगों का जो इलाज है वो कैसे करेंगे, तो हमारी सुरक्षा भी जरूरी है। इसी को लेकर ये लोग यहाँ पर आज पुतला दहन करने के लिए आए हैं। तो हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो है नाराजगी है डॉक्टर्स के अंदर, वो आपको साफ तौर पर नजर आ रही होगी।